लोकसभा चुनाव को लेकर अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर साफ हो गई है। 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिले के दौरे पर थे, जहाँ उन्होंने डौंडी लोहारा में विधानसभा स्तरीय सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार आपने देखा है, कोई वादा पूरा नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने नारा दिया था और नहीं सहीबो बदल के रहबो, ये सफल हुआ, सरकार बदली, अब हमने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, ये नारा भी सफल होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को सफलता के मंत्र भी दिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली बार बस्तर के आदिवासी बैगा पुजारी ला लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं हमर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जम्मू भारतीय जनता पार्टी के नेता मला और कार्यकर्ता मला बहुत बहुत हार्दिक बधाई देवत हूँ। आज मैं लोकसभा के प्रत्याशी होने के नाते और एक पुजारी बैगा होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगत हूँ। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होते और अवैया 26 अप्रैल के लोकतंत्र के महापर्व में आप मन से यही निवेदन करता हूं कि कमल छाप के बटन में बटन दबा करके मोला आशीर्वाद प्रदान करो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांव गरीब और किसान एक योजना ला लेके और क्षेत्र के पूरा देश के विकास ला लेके बहुत सारा काम और योजना चलाए जाते। छत्तीसगढ़ में जब पिछले 3 महीने पहले चुनाव हुई तो हमार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोदी के गारंटी योजना लागू करी, वही गारंटी योजना के अंतर्गत किसान मतलब ही अनेक लाभ मिली, हमार दाई बहनी मला भी 1,000 रुपया दे के काम हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री दिया करी। आज कांकर लोकसभा के विकास के गारंटी लेने वाला हमार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी है। आप मतलब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मोला आशीर्वाद प्रदान करो, ये क्षेत्र के विकास हो ही, कांकर लोकसभा के विकास हो ही, आपके डौंडी लोहारा विधानसभा के विकास हो ही, एकर गारंटी ये मंच में बैठे जम्मू नेता मन लेवत आवे। और मैं आप मला ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि जोन विकास है वो विकास हो ही, और आप मन के गांव में और कोई ऐसे समस्या परेशानी हो ही ओला नींबू काट के आप मन के जो तंत्र मंत्र हो ही ओला भी ठीक करे के काम मैं करूं। आज चारों कोती देखे तो सब कांग्रेस पार्टी ला छोड़ा था, कांग्रेस पार्टी ला छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ थे। जैसे जहाज जब दुबई आ रही थे तो जहाज में जत का झन बैठे रही थे, कूद कूद के भागते, ऐसे आज कांग्रेस के हालात हो गए। जी हां जावा थन, जी हां जावा थन, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ थे। कल जगदलपुर गए रहे वहां के महापौर कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये कहां हो गए भैया, ये कहां हो गए आखिर, ये कांग्रेस पार्टी आज डूबता हुआ जहाज है, ओ माले सब भागा थे। और काबर भागे थे यू बता देता मैं, आप ये बात समझ लो कि आज कांग्रेस पार्टी में ना नेता है ना नियत है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा बार
ओकर टिकट लोहिया कोरोने रही ने कहां के ल कहां भेजा थे कहां के ल कहां भेजा थे कोनो कार्यालय में अनशन हुआ थे ककरो खिलाफ चिट्ठी लिखावा थे कांग्रेस के प्रत्याशी ला कांग्रेस के नेते मन नहीं मानते तो जनता का हाल मान ही बताओ मोला मान ही का जनता हा जेकर पार्टी में वो प्रत्याशी के कदर नहीं है तो कर कदर जनता हा काबर कर ही वो भी आपन के बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन के भी हमर तरफ से हृदय से अभिनंदन हृदय से स्वागत आप सबके जोहार आज के कार्यक्रम में करीब 1,500 व्यक्ति मन कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करीन है जिमे 30 सरपंच भी हैं हमर संजय बैस जी के नेतृत्व में 30 सरपंच भी हैं ऐसे सभी कांग्रेस छोड़ के जो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करीन है उमन के बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है हमर भारतीय जनता पार्टी में अब भारतीय जनता पार्टी उमन के हर सुख दुख में खड़ा रही और उमन से अपेक्षा है कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में तन मन धन लगा के भारतीय जनता पार्टी कमल छाप पर काम कर ही आप मन हमारे डिप्टी सीएम ला सुनाए आपन हमारे अध्यक्ष जी ला सुनाए आपन हमारे प्रत्याशी ला भी आशीर्वाद दे हा तो आज हमन आदरणीय मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगे बढ़ाए हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में हमर देश के गांव गरीब किसान मजदूर सभी वर्ग के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए काम करी नहीं काम वाला दुराय की आवश्यकता नहीं है हमर प्रदेश अध्यक्ष जी बताई नहीं कि 10 साल में का हुई से और उमन के पहला 5 साल में मैं भी सांसद के रूप में पार्लियामेंट में रहे हूं राज्यमंत्री के दायित्व तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मोला भी सौंपे रहे और उस समय पहला दिन पार्लियामेंट में भाषण में कह रही कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और आपन देखा कि पहला 5 साल गरीब मन के लिए काम करी गरीब मन के लिए शौचालय निर्माण के काम उमन के जनधन खाता के काम उमन के प्रधानमंत्री आवास के काम हमर माता बहनी मन के गैस के सिलेंडर